चिंदौली में धान की खरीद को लेकर सपा सांसद और विधायक नवीन मंडी पहुंचे। निरीक्षण करने पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंडी सचिव से जानकारी ली। उन्होंने धान की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही तथा डीएपी खाद को लेकर अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि गेहूं बुआई से पहले इफको खाद सभी गोदामों में उपलब्ध कराई जाए। वहीं सपा सांसद ने सीएम के बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि भाजपाइयों को देखकर बहन बेटियां भाग जाती हैं। मुख्यमंत्री ने गलती से भाजपा के जगह सपाई बोल दिया था। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। देखिए किसानों की खरीद के लिए अखबारों में आ गया कि पहली तारीख से किसानों के धान की खरीद होगी। आज लगभग 10 दिन बीत गए। मैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आया कि कितनी किसानों की धान खरीद हुई, खरीद की तैयारी के संदर्भ में कौन कौन विभाग यहाँ पर लगाए गए हैं, कितने सेंटर खुले हैं खरीद के, खरीद पर किसी भी प्रकार के किसानों को दिक्कत न हो इसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ कर रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें जो आती हैं कि यह पहली सरकार है जब वो किसान उत्पादन बढ़ाता है और मानक तय करता है तो उसी उत्पादकता के आधार पर तय करता है और पिछले साल जब एक प्रति हेक्टेयर उत्पादन का जब आकलन बनाया गया तो वो था 72 से 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की खरीद कम हो, किसानों की आमदनी उतनी न हो पाए इसके लिए साजिश के तहत धान की खरीद का जो पैमाना प्रति हेक्टेयर रखा गया वो 56 क्विंटल घटा करके 56 क्विंटल कर दिया गया। एक तरीके से इस देश के किसानों के प्रति साजिश है। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो रजिस्ट्रेशन किसानों का हुआ है मानक के अनुसार अगर उसकी उत्पादन अधिक है तो अपने धान की पैडी को वो मार्केट में भी नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसी के संदर्भ में यहाँ पे अरबों और जितने अधिकारी मंडी के हैं उनसे मैं इस बात की चेतावनी देने के लिए आया कि अपनी इस चीजों को सुधार लीजिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं उसे 80 क्विंटल होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो हमने कहा आप प्रकाशित कराइए इस बात को कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसमें मानक बढ़ा ले और 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मानक बढ़ा करके उसके उत्पादन को आप खरीदे और उनको परेशानी ना हो, क्योंकि कभी कभी आर्द्रता के आधार पर परेशान होता है। कभी अभी आप हमारे एक साथी ने बताया कि केवल 300 क्विंटल प्रतिदिन खरीदने की जो है कि एक लिमिट बांध दी जाती है। तो हमने कहा नहीं नहीं इसको बढ़ा करके 600 क्विंटल कम से कम कीजिए प्रतिदिन, बोरा के लिए उसको दिक्कत न हो, उसकी आर्द्रता के कारण डस्ट के कारण उसको जो दो दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है यहाँ अपने धान को बेचने के लिए, वो व्यवस्था करिए कि हमारे चंदौली जनपद का किसान जो है परेशान न हो, उसकी तत्काल खरीद हो जाए, उनको एजुकेट कीजिए, अपना कर्मचारी भेजिए, वहीं से आर्द्रता की जांच कराइए, वहां पे जो उनके जो धान की फसल है उसमें जो डस्ट का प्रतिशत है वो निर्धारित देख लीजिए, वो कह दीजिए वहां पर, उनको समझा दीजिए कि डस्ट को हटा करके जो है कि अपने उत्पादन को ले आए ताकि तत्काल उनकी खरीद हो जाए। एक किसान हमारे किसान नेता ने कहा कि जो खरीद करते हैं वो जल्दी जो है कि वो हटाते नहीं, यहाँ से अपने गोदाम में नहीं भेजते, जिसके कारण जगह न होने के कारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है, उनके खरीद जो है रुक जाते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका समाधान के लिए हम लोग आए थे और अधिकारियों ने इस बात पर हमको भरोसा दिलाया है कि इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे और किसानों के पैडी की खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। नहीं आज पता चला, मैंने इस बारे में बुला करके आरएमओ से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खाद की एक रैक आ गई है जो शीघ्र ही संसाधन सहकारी समितियों पर पहुंच जाएगी। और मैंने यह भी निर्देशित किया
कि डीएपी जो आए इफको की आवे, किसी अन्य जो है कि प्राइवेट कंपनी के का जो है कि डीएपी यहाँ नया आवे, और शीघ्र ही एक और रैक तत्काल वहां से दौली जनपद के लिए वो मंगाई जाए, ताकि बुआई केवल एक महीने के अंदर ही सारे धान गेहूं की फसल की बुआई हो जाएगी, धान कट रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कतें यह है कि यहाँ पड़ोसी देश होने, पड़ोसी जो है राज्य होने के कारण बिहार के लोग इस चंदौली से लेकर के जो है कि खाद को अपने ले जाते हैं, वहां तस्करी की संभावना बनी रहती है, और यहाँ का आधार कार्ड भी लगा देते हैं यहाँ के किसानों का। इस पर निगरानी जो है लगाई जाए और बॉर्डर पे जो है तैनात किए जाए, ताकि किसानों के, हमारे चंदौली के किसानों के हक की का खाद जो है वो दूसरे प्रदेश के लोग न ले जाए। चंदौली में रैक पॉइंट तो बना है मुगलसराय में, लेकिन खाद वहाँ उतरती नहीं है। नहीं तो अभी मैंने तो पिछले सीधा महंगा खाद पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बात को हमने रेल मंत्रालय में, इस बात को हमने रेल मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने सरेसर में जो है रैक उतारने की व्यवस्था के लिए, वहाँ गोदाम बनाने के लिए वो बात हमसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और इस बार 25 तारीख से फिर जो है वो सदन चल रहा है। मैं सदन के अंदर फिर रेल मंत्री को घेरने का प्रयास करूंगा कि आपने जो वादा किया है उस वादा को कब तक पूरा करेंगे, और ये आश्वासन के बाद ही। सबसे जो बड़ी बात ये है रेल मंत्रालय को लेकर के कि शायद चंदौली जनपद एक अभागा जनपद है, जिसके मुख्यालय से कोई ट्रेन न रुकती है ठीक से, एक्सप्रेस ट्रेन न यहाँ से चलती है, तो वंदे भारत के तर्ज पर यहाँ से चंदौली जनपद से के जो है रेलवे से यहाँ से एक एक ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के लिए चलाई जाए, और एक ट्रेन यहाँ से चंदौली से कलकत्ता तक के लिए चलाई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है, जिस मांग को लेकर के मैं वहाँ जो है कि रेल मंत्री से जो है बात करूंगा, और उनको सदन में उनको घेरने का भी प्रयास करूंगा। भाई को देखकर लड़कियां घबरा जा रही हैं, इस तरह का बयान उन्होंने मंच पे दिया। एक शब्द भूल गए, असल बात सफाई नहीं, वो भाजपाई बोले। भाजपाई को देख के, जब भाजपाई को लोग देखती हैं लड़कियां, तो परा जाती हैं, भाग जाती हैं। इसलिए भाग जाती हैं कि आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि बीएचयू में हमारी बच्चियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा जौनपुर की घटना को, आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर को, आपने देखा कि हरियाणा की हमारी बच्ची जो विधायक हो गई है उसके साथ कैसे एक नेता ने भाजपा के किया। तो भाजपा को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं, यहाँ तो घबराई जाती है नहीं, भाग जाती हैं। वो कहना चाहते थे कि सफाई को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं, और वो गलती से जो है भाजपाई के जगह सफाई उन्होंने कह दिया है। भ्रष्टाचार माने लगा को लेकर गृह मंत्री से मिले हैं, क्या रहा? मैंने गृह मंत्री से मिलकर के पहले तो यहाँ दिशा कमेटी में भी मैंने इस बात को उठाई कि भ्रष्टाचार के मानक को मनमाने तरीके से उसको बदल दिया गया है, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गांव के किसानों गरीबों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मैंडेज देना, लेकिन वो लाभ का एक साधन हो गया है, जहां पर लोग उसमें उल्टा पुल्टा करके भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था। दिशा कमेटी में मैंने जिलाधिकारी को निर्देश किए थे कि कमेटी बना करके वो सारे ब्लॉकों की आप जो है मनरेगा के कार्यों की जांच करके ये बताइए कि क्या कितना और कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में एक और लेटर अभी उनको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र आज भी मैंने SDM को दिया है कि आप उनको दीजिए, और दिशा में क्या कार्रवाई हुई किस कार्रवाई से मुझे अवगत कराइए, नहीं तो सदन के अंदर फिर फैली फैला होगा। हम बता दिए हैं कि हम सत्ता वाले नेता नहीं हैं, हम लोग फैली फैला वाले नेता हैं, सदन में हम एक मिनट चलने नहीं देंगे, और चंदौली को ललकार करके इसका नाम रोशन करेंगे वहां पे।